नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिनांक 13 अगस्त 2024 की दरमियानी रात ग्राम पंचायत गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ओवर ब्रिज के पश्चिम नंदकुमार पांडे पिता कालूराम पांडे के घर के दक्षिण से सिधमरी कर घर के अंदर घुसे चोरों ने लगभग 12 लाख रुपए के सोना चांदी एवं फूल के बर्तन पार कर दिए। चोरों ने घर का सामान पूरा ब्रिज के पास खाली सामान की डिबिया पर्स इत्यादि फेंक दिए। सोना में मोहर 3 नग 30 ग्राम हार 3 तोला झुमका 1 तोला 3 रती मंगलसूत्र 1.5 तोला मंगलसूत्र 7 लैकेट 1.5 तोला वेदी 5 ग्राम अंगूठी 5 नाग 2 तोला सलाई एवं बिंदी 4 ग्राम फुलाहा लोटा 10 नग चांदी के समान गोरहना 25 तोला सकरी 1 किलो छाड़ 500 ग्राम पायल 20 तोला पायजहर 500 ग्राम 200 ग्राम हाफ सेट 8 तोला सोने के कुल आभूषण 13 तोला 4 रती चांदी 2 किलो 780 ग्राम अनुमानित कीमत 12 लाख। आज सुबह जब 5 बजे घर के मुखिया उठे तो देखा कि बाहर किवाड़ बंद है और बाहर जाकर देखा तो घर के पीछे की साइड दक्षिण तरफ से सिधमरी की गई है। तब पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची। मौके पर पहुंचकर विवेचक उपनिरीक्षक के एल बागरी घटना की गंभीरता से जांच कर पुलिस प्रकरण पंजीयन कर रही है। इसी तरह से दिनांक 11/8/2024 को पशु औषधालय में चोरों ने लगभग कंटेनर 5 नग उठा लिए गए जिसकी कीमत अनुमानित 3.5 लाख की जा रही है और ढक्कन फेंक दिया गया है। गढ़ में चोरी का सिलसिला आए दिन काफी बढ़ रहा है। अब लगता है कि चोरों के हवाले ही पूरा क्षेत्र हो चुका है। रीवा जिले में चोरी का आकलन किया जाए तो लगभग कई करोड़ की चोरियां हो चुकी है। अधिकांश का खुलासा नहीं हो पाया है। शायद यह कर विदेशों से तो नहीं आते हैं, कहीं क्षेत्रीय पर उनके पकड़े जाने पर स्थानीय सफेद पोस्ट धारी राजनेताओं का भी संरक्षण की चर्चा सुनने में आ रही है। अब यह बताने वाला कोई नहीं है कि यह कर कौन रहा है, असली चोर कौन है। पुलिस को भी काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। पूछताछ के दौरान बुलाने पर सफेद पोस्ट धारी का फोन आ जाता है। जनता यह अपेक्षा करती है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ऐसे चोरियों का एक विशेष जिले में टीम गठित कर चोरियों का खुलासा करें जिससे किसानों और व्यापारी और शासकीय कार्यालयों की करोड़ों करोड़ों की संपत्ति जो प्रतिवर्ष चोरी जा रही है और केवल अभिलेख तक सीमित रह जाती है, अधिकांश चोरियों का खुलासा नहीं हो रहा है। पता नहीं चोरियों का खुलासा कब होगा। होता है या जब कोई बड़े ताकतवर व्यक्तियों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो चोर कहीं नहीं बच पाए और चोरी का खुलासा हो जाता है। और वही सामान्य परिवार के चोरी की घटनाओं का खुलासा न होने का प्रमुख कारण उन चोरियों को कोई जिम्मेवार अधिकारी गंभीरता से नहीं लेता है। नशाखोरी की प्रवृत्ति आज भी काफी है। सर्वाधिक मेडिकल नशा गांजा और दारू और सट्टे का कारोबार चल रहा है। इसकी पूर्ति हेतु लोग ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब देखा जाएगा कि इतनी लंबी चोरी का खुलासा गढ़ पुलिस कैसे और कब तक में होगा या पूर्व में हुई चोरियों के तरह यह भी अभिलेख तक सीमित रह जाएगा। देखिए, आज एक किसान के साथ है चोरी की घटना से हमारी हुई है जहां इनके लाखों लगभग 16 लाख के सामान चोरी गए। कुछ पुराने पैतृक थे, कुछ है नए खरीदे हुए थे। मैं इनसे बात करता हूं। अपना के नाम कहा है? पिता के नाम कहा है? कालूराम पांडे। कहां के निवासी यहां हैं? गढ़ के। ये कैसन काल चोरी के बजे सोए हैं? अपना हम 10 बजे पहुड़े हैं अरे ना एकदम पहुड़े तो सो गए फिर ये कई बजे जागे अपना 5 बजे तो कहाँ दिखन से जब भैंस का भूसा दे जान तो दिखन तो टैक्सी पर सूट केस पर ही रहे तो हुआ गए दिखन तो वहाँ से भी रहा तो फिर आम तो परिवहन में अपने बताए खुलासी रहे टोल सब आए लेकिन काफी कतने के चोरी का अपना कि कहाँ कहाँ का। अब हमारे टीम से तो मोहर गई सकरी गई लाकर में सब रखी तो कुछ लकड़े से कला टूटी गया लाकर अलमारी के हजमती हाँ लोहा वाली हाँ तो जब साहेब गए दिखें पहले खोले नहीं रहे जब साहेब गए खोलवाएं तो दिखें तो लाकर टूट रहा वही लाकर में सब रहा सब चोरी हो गया तो ये बाकी ये सामान रहा और हार रहा
यह रहा, झुमका रहा, चैन रहा, ये सब रहे साहब, जो कि रसीदी है ये कुछ लगभग अपना के जो रिपोर्ट लिखा है सूची में 16 लाख के आसपास है जी। और अनुमानित कीमत हो चला है, तो हम सोना चांदी या बर्तनों ले गए हैं, बर्तनों ले गए, लोटा ले गए, दस लोटा ले गए। अपना के नाम ना बताओ, शंका केहू के ऊपर है का नाम ना बताऊ है मैं इसके नाम अपना टी आई के बताऊ शंका शंका दिया है कि हम 9:30 बजे खेती से जब आए एक आदमी फोन है करते रहा उनसे आवाज जा फोन कर अब फोन में खुद बिजी रहा हूँ हमसे कहा मतलब हम चले आए अपने घर ही यह घटना घटी है और यह घटना घटी है थाने आज रिपोर्ट करे आए हैं सामान की पर्ची वहीं मिली है जहाँ सब तोड़े तारे रहे उमन पर्ची झेपुन मिल रहा सब क्या कहा था उनका जिन बेड़ा था या सब ब्रिज के पास फेंके रहे हाँ नहीं को हुआ पुलिया पर भानुघरे के सामने भानुघरे के सामने फिर हाँ नकारा था उनमें सामान कुछ नहीं मिला केवल खोखा मिला है खोखा सब मिला खोखा लेके थाने सब थाने लेके आए